हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 5th चैप्टर आपका ज्योग्राफी का ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन। ह्यूमन मीन्स मानव, रिसोर्सेज यानी संसाधन। रिसोर्सेज पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्सेज वो मीन्स होते हैं जिनसे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, यानी वो सोर्सेज जो किसी न किसी रूप में इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज कंसीडर्ड एज रिसोर्सेज। मानव भी एक रिसोर्स कहलाता है, एक संसाधन कहलाता है। जैसे एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, वो किसी न किसी रूप में, जैसे टीचर टीच करके डॉक्टर आपका इलाज करता है, तो इस तरीके से वो किसी न किसी रूप में मानव की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। इस कारण वो एक रिसोर्स है। इसी कारण हम ह्यूमन बीइंग को भी एक रिसोर्स के रूप में जानते हैं। वी कैन डेवलप आवर फिजिकल एंड मेंटल पावर थ्रू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड स्किल। हम मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना फिजिकल और जो मेंटल पावर है उसको एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और स्किल के द्वारा डेवलप करते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास एक व्यक्ति का रिसोर्स के रूप में तब चेंज होता है जब वो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और हेल्थ और स्किल के द्वारा अपना डेवलपमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स इज ए कंसेप्ट विच कंसीडर्स पॉपुलेशन एज एन एसेट रेदर देन लायबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको लायबिलिटी यानी देयता की जगह एसेट, संपत्ति माना जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो देश के डेवलपमेंट में, जहां वो रहते हैं उस एरिया के डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे हमारे देश में डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर जो इवन जो लेबर हैं वो भी किसी न किसी रूप में हमारे देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस कारण वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है। जितने एजुकेटेड, जितने जो स्किल्ड पीपल होंगे किसी भी देश में, उस देश का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। When we invest in health, education, training and other services, then we change human population into human resources. जब हम health, education, training और दूसरी services के अंदर invest करते हैं, then we change human population into human resources. तब हम जो human population है उसको human resources के अंदर change करते हैं। एक व्यक्ति रिसोर्स तभी बनता है जब वो एजुकेशन प्राप्त करता है, किसी चीज की ट्रेनिंग लेता है और उसकी हेल्थ अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें ही एक व्यक्ति को, पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्सेज में चेंज करती हैं। अब आगे इसमें देखें, जिस देश के अंदर पॉपुलेशन कम होती है वहां भी जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है। और इसके अलावा अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो वहां भी रिसोर्सेज का जो वितरण है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर हम जो आपकी पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वही आपका ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर मेन टॉपिक है, कैसी पॉपुलेशन है, कहाँ कितनी कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार का सेक्स रेशियो है, कैसी लिटरेसी है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इनमें हाईएस्ट हैं, लोएस्ट हैं। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेंसेस। सेंसेस को हम कहते हैं जनगणना। ए सेंसेस इज द प्रोसीजर ऑफ सिस्टमेटिकली एक्वायरिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन। सेंसेस एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिस्टमेटिकली तरीके से जानकारी प्राप्त की जाती है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी दी हुई पॉपुलेशन के बारे में। मीन्स इंडिया है, वहां पे जब सेंसस होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग जब होती है, तो वो सिस्टमेटिकली तरीके से होती है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और फिर उसको सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारी चीजें सेंसस के अंदर आती हैं। तो सेंसस को हम सिंपली वर्ड में कह दें तो सेंसस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की गिनती करना है कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब पॉपुलेशन की हिस्ट्री देखें इंडिया के अंदर, तो भारत में जो सबसे पहले सेंसस हुआ था, जो सबसे पहली जनगणना हुई थी, वो 1872 में हुई थी। और एक कंप्लीट सेंसस की हम बात करें तो हमारे देश में जो कंप्लीट सेंसस स्टार्ट हुई थी वो 1881 से हुई थी, और 1881 से अभी तक जो सेंसस चल रही है, हर 10 साल के अंदर ये सेंसस होती है। जैसे 1881 में सेंसस हुई, फिर 1891 के अंदर, फिर 1901 के अंदर, तो इस तरीके से हर 10 साल के अंदर हमारे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो वो 1872 में हुई थी, लेकिन सिस्टमेटिकली तरीके से और कंप्लीट जो सेंसस हुई थी हमारे देश में वो 1881 में हुई थी। और उसके बाद से लगातार हर 10 ईयर्स आफ्टर, हर 10 साल के बाद हमारे देश में जनसंख्या काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। पिछली जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी लास्ट, वो थी 2011 के अंदर, और जब अगली जो होगी वो 2021 के अंदर। तो हम जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी आंकड़े देखेंगे वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। द सेंसेस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉपुलेशन सच एज भारत की जो जनगणना है वो कई प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है हमें प्रोवाइड करवाती है, जैसे साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर कितनी जनसंख्या है, डेंसिटी घनत्व कितना है, कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में, या फिर हमारे देश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन रहती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा इंक्रीज एंड एनी चेंज इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या 10 सालों में कितना इंक्रीज हुई है। इसके अलावा पॉपुलेशन में कहाँ कहाँ कितना चेंज हुआ है, कहाँ बढ़ी है, कहाँ जो उसका जो ग्रोथ लेवल है वो कम है, तो ये सारी चीजें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसके अलावा पॉपुलेशन की जो दूसरी विशेषताएं हैं जैसे सेक्स रेशियो,
लिंगानुपात, लिटरेसी, साक्षरता, एज ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, ये सारी चीजें, प्रोफेशन जो पेशा है, लोग किन लोगों ने किस प्रकार का जो प्रोफेशन है वो अपनाया है, इसके अलावा लोगों का जो हेल्थ लेवल है वो कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंसेस जनगणना से प्राप्त होती है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पॉपुलेशन जनसंख्या को हम इस रूप में जान सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल लोगों की कुल संख्या, लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एक निश्चित स्थान पर रहने वाली और एक निश्चित टाइम पीरियड में एक स्थान पर लोगों की जनसंख्या कितनी है। जैसे हमारे देश में हर 10 इयर्स में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो 10 साल में हमारे देश के अंदर लोगों की जो संख्या कितनी है वो पॉपुलेशन के रूप में हम जान सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की किसी निश्चित समय के अंदर जो जनसंख्या है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, 2011 के अकॉर्डिंग ही सारे जो आंकड़े हैं वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो 2011 सेंसस के अंदर जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो 1,93,422, यानी जिसको हम 121 करोड़ के रूप में भी जान सकते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.3% है। यहाँ एरिया की बात करें तो हमारा देश जो है वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है घेर रखा है, लेकिन आप इसके रेशियो में आप पॉपुलेशन देखिए, 17.3% जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमारे देश में है, जबकि जो एरिया है वो ओनली 2.4% है वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया का। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। भारत जो है चाइना के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अंदर, फर्स्ट प्लेस चाइना का है। टॉप फाइव मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, वर्ल्ड की जो टॉप फाइव मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उनमें चाइना 134 करोड़, इंडिया 121 करोड़, यूएसए 30 करोड़, इंडोनेशिया 23 करोड़, ब्राजील 19 करोड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।